हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास 6 इंग्लिश मीडियम के लिए है। सब्जेक्ट है मैथ्स, चैप्टर नंबर 3, एक्सरसाइज आपकी 3.3। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड फाइंड द प्रोडक्ट। यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है ए वाला और बी वाला, यहां क्या करना है आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करके इनका प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। और यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है, फाइंड द प्रोडक्ट्स बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट दिए गए हैं, सूटेबल अरेंजमेंट करके इनका मल्टीप्लाई करके दिखाना है, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन नंबर 4 का कौन सा लेते हैं लोग, ए वाला। ए वाला दिया गया है 9 and 42 into 95। ये देख रहे हैं आप। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कैसे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके। चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके करते हैं। 942 है लेकिन दिख रहे हैं, 95 को बेटा ब्रेक करके लिख सकते हैं, चाहे तो हम लिखे 90+5 या लिखते हैं 100-5। तो हम यहाँ देखो ये भी कब होगा, हम इसको लिखते हैं 100-5, क्योंकि 100-5 लिख सकते हो ना 95 को, 100-5 माइनस करोगे 95 आएगा, आएगा ना। अब आपने देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने बताई है a(b+c) या फिर a(b-c) आपने पढ़ा होगा ना, अगर a(b+c) होता है तो प्रॉपर्टी क्या होती है, a(b+a(c) है ना बेटा। और यहाँ अगर माइनस होता है, ओवर सब्सट्रैक्शन अगर करते हैं तो सेम चीज रहेगी, a(b-a(c) माइनस का साइन लग जाएगा बस। तो इसी तरह से मान लीजिए ये a है, ये b है और ये c है, a(b-a(c) बारी बारी 942 का मल्टीप्लाई 100 में होगा, माइनस फिर से 942 का मल्टीप्लाई 5 में होगा, इस वाले का ये फॉर्म दे रहे हैं, इसकी फॉर्म है, ठीक है। चलिए करते हैं इसको, तो हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे तो 942 into 100 माइनस 942 into 5, समझ रहे हैं ना। अभी जैसे a into b माइनस c किया था, तो a into b हो गया, माइनस a into c हो गया। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा
क्वेश्चन नंबर 5। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है, इसको अपने कंप्यूटर में नोट कर लीजिए। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5th क्या जाएगा, फाइंड द प्रोडक्ट्स बाय सूटेबल अरेंजमेंट। यहां पे हमें क्या करना है, इन नंबर्स का जो प्रोडक्ट निकालना है सूटेबल अरेंजमेंट का। जैसे ए वाला लिखते हैं, ए वाला क्या है, 5 × 1950 × 87 ले लिया गया, इनको अरेंज करके करना है, इनको क्या करना है, अरेंज करके करना है। चलिए इसको लिखिए, माने इनका मैंने 5 × 1950 इसको इसके साथ अरेंज कर ले रहे हैं, इसलिए मैं कौन यहां पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको मल्टीप्लाई कराइए, अब इसको कितना है कराइए, कितना आएगा, 5 × 0 5 × 25 × 25 × 5 × 45 × 45 × 47 × 47 × 4 5 × 5 × 4 9 ये आ गया, इनको आगे कितना है 87। अब इसको क्या करेंगे, 87 को मल्टीप्लाई करा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, करा लेंगे 9 × 7 × 5 × 0 = 87। चलिए कराइए, इसको करा लेते हैं मल्टीप्लाई, इसको कराना है, कराइए जल्दी। तो कराइए, ये आ जाएगा 0 5 2 8 4 8 जी आ गया, कितना आ गया 8 4 8 2 8 4 8 2 5 0 यानी कितना आया, यहाँ देखिए 1,48,250 ये आएगा, इसको इसके साथ अरेंज कर लिया, फिर इनका जो प्रोडक्ट आया उसको 87 से मल्टीप्लाई करा लिया, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना बेटा। चलिए अब इसके बाद देखिए ई वाला भी देख लेते हैं, कौन सा ई वाला, ई वाला देखिए आपको दिया गया है, ई वाला कितना दिया गया, 125 × 20 × 5 × 4 इसको भी अरेंज कर लेंगे आप, इसको किसके साथ कर लेंगे, इसको इसके साथ कर लेंगे, 125 को अरेंज कर लेंगे बेटा 4 के साथ, और 20 को अरेंज कर लेना है 5 के साथ, 125 को 4 से कराएंगे तो आप बोल दीजिए बेटा कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा, आएगा ना। चलिए इसके बाद इसको कराएंगे, ये आ जाएगा, ठीक है, कहां पे मल्टीप्लाई करा लेंगे 5 का, कितने 0 है, 2 यहां, यहां 4, 1 2 3 4 ये आ गया आपका 50,000 आएगा आपका, कितना आएगा 50,000। तो इस तरह आप अरेंज करके प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए और इसके आगे